दोस्तों बीपीएससी बीओ का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था रिटर्न एग्ज़ाम 1 से 7 मार्च का, अब वो कैंडिडेट जो है इंटरव्यू की जो है तैयारी में जो है जुट जाइए। जी हाँ, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो है ऑफिशियल साइट पर हूँ और कौन से कैंडिडेट आगे जो है इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे, तो चैनल पे जो है बने रहना। और एक न्यू वन है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखो दोस्तों, आपकी वैकेंसी 1051 थी और जो आपकी कट ऑफ रही है वो कितनी रही है, अब जो है उल्टी गिनती गिनता जो है आप जो है शुरू कर दो। रिजल्ट जो है आपका इसी ऑफिशियल साइट पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा नोटिस पे नोटिस जो है जारी हो रही है, आपका रिजल्ट भी जो है जारी होने जा रहा है। कब होगा, कब देखने को मिलेगा, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और साथ के साथ मैं आपकी कट ऑफ भी बता देती हूँ, कौन से कैंडिडेट जो है आगे जो है इंटरव्यू पे जो है जा पाएंगे। देखिए जो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो आपकी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे साफ सा पेज, चलिए इधर लिख देती हूँ, जो आपकी जो दोस्तों जो जीके हुई थी, ये आपको इस वाले इस पर दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं दूसरा जो है यहाँ से पेन जो है ले लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, देखो ये दिख रहा, आपकी जो जीके हुई थी दोस्तों, जो कि आपकी जो है 100 मार्क्स की हुई थी। ठीक है, कट ऑफ पे बात कर रही हूँ, जीके 100 मार्क्स की हुई थी आपकी, और उसी पेपर वन में आपकी जीके हिंदी भी हुई थी 100 मार्क्स की। ठीक है भाई, और जो आपका पेपर टू था एग्रीकल्चर का, तो जो आपका सेकंड पार्ट था उसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन आया था, जिसमें आपके एग्रीकल्चर के पोर्शन में जो है पार्ट वन में जो है आपके 200 मार्क्स का हुआ था वो पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, वहीं पार्ट टू में भी 200 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आए थे। अब मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है आपकी जो रहेगी वो आपकी 500 मार्क्स के अकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि जो आपकी हिंदी थी वही हिंदी, इसमें तो सिर्फ पास होना जो है कंपलसरी था, इसका जो है कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। 30 के करीब इसमें जो है रखा गया है, तो 30 तो आप हिंदी में इतने ले आओगे। अब रहा आपका जो है आपकी जो है रह गई जीके एग्रीकल्चर, है ना, और एग्रीकल्चर का पार्ट वन और टू, तो 500 मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहने वाली है समझ लो। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जनरल कैटेगरी की, यानी कि यूआर वालों की, मेल फीमेल खुद ही लगा लेना, कभी पूछो हम तो फीमेल है हमारी कितनी रहेगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस 5 या 10 नंबर का जो है फ़र्क पड़ता है। यूआर की अगर 320 मार्क्स का आ रहे हैं तो आप जो है सेफ़ रहोगे जनरल कैटेगरी वाले। ओबीसी के अगर 300 आ रहे हैं तो वो भी जो है सेफ़ जोन में रहेंगे। ईबीसी के 270 आ रहे हैं तो वो सेफ़ में रहेंगे, और एससी के 220 आ रहे हैं तो वो भी सेफ़ रहेंगे। एसटी के 290, ठीक है, एसटी के 290, तो सॉरी एसटी के 209, ज़्यादा बोल गई, एसटी के 209 रहेंगे और आपके जो एससी के हैं वो 220 रहेंगे। ठीक है, ये जो है आपकी कट ऑफ रहेगी। अब मैं रिज़ल्ट की बात कर लेती हूँ, तो आप यहाँ देखें इस ऑफिशियल साइट पे, आपको पता है ये आपका जो है स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, तो इसका जो आपका रिज़ल्ट जो जारी होता है दोस्तों 1 मंथ बाद होता है, तो यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है आपको 15 मई के आसपास जो है दोस्तों ये नोटिफिकेशन जहाँ यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा, 15 मई के आसपास आपका रिज़ल्ट जो है आ लेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू जो है नोटिस भी जो है जारी जो है किए जा रहे हैं आपके रिज़ल्ट को लेकर। देखो अभी ये जो है 30 अप्रैल को आया था, ये 2 मई को आया था सबसे ऊपर वाला, ठीक है, जिसमें जो ये रिगार्डिंग फाइनल रिजल्ट ड्रग इंस्पेक्टर वालों का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ था एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2022, उनका जो है रिज़ल्ट आउट हुआ था। अब आपका होगा, डेट भी मैंने बता दिया, बस थोड़ा सा जो है आपको पेशेंस रखने की जो है ज़रूरत है। आपके अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दिस वीडियो।